हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरसीए ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यूइंग डिस्कस चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जोन। टुडे वी आर डिस्कस क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स देखिए, लास्ट पीरियड में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करके फिर हमने कुछ उसके कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट्स। तो सबसे पहले हमें ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। सपोज ये ग्राफ पेपर है आपका, ग्राफ पेपर शीट। अब इसमें हमने डिवाइड कर दिया इसको, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जीरो से। क्लियर है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, जीरो से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, ये एक्स का पॉजिटिव पार्ट, जीरो के इधर पॉजिटिव, जीरो के इधर नेगेटिव, इसे हम शो करते हैं एक्स डैश वाई जीरो। जीरो के इधर ये वाई वाला हमारे पास पॉजिटिव एंड जीरो के इधर नेगेटिव पार्ट, इसे हम शो करते हैं वाई डैश। देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पर, तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, हमारे पास फोर डिवीजन में डिवाइड होगा। देखिए 1, 2, 3 एंड 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। ग्राफ पेपर शीट में आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ग्राफ पेपर को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, जिस पॉइंट पर वो कट होगा उसे ओरिजिन बोलते हैं, और वो जो डिवीजन है फोर डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्वाड। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग हमने कोई नंबर इसमें राइट किया, जैसे ये पॉजिटिव 1, तो स्क्वायर बॉक्स होते हैं इसमें बड़े बड़े ग्राफ के अंदर, तो ये एक स्क्वायर बॉक्स 1, सेकंड स्क्वायर बॉक्स 2, ये थर्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो। तो ये फिक्स है हमारे पास ग्राफ के अंदर स्क्वायर बॉक्स की जो नंबरिंग करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव नंबर राइट करेंगे। ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो इस साइड हमारा चलेगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड 100। ऐसे ही हमारा पॉजिटिव पार्ट है, इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 100। ऐसे ही है वाई का नेगेटिव पार्ट, इट मीन्स -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड 100। अब देखिए जो क्वाड्रेंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, तो आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को पहले राइट करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में राइट करते हैं। जो राइट करने का जो मेथड है हमारे पास वो एक्स कॉमा वाई होता है। ऑलवेज रिमेंबर, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले राइट करेंगे, उसके बाद कॉमा, फिर वाई कोऑर्डिनेट राइट करेंगे। अगर आपके पास ये 2, 3 तो इसका सीधा सीधा मीन हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 प्लस के। अब देखिए एक्स पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वाई पॉजिटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए प्लस कॉमा प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे चेक करते हैं। एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव एक्स, इट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट को पहले, और वाई पॉजिटिव है तो वाई को बाद, माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो माइनस कॉमा माइनस पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, इट मीन्स प्लस कॉमा माइनस। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं,
सपोज हमें फाइंड करना है माइनस टू कॉमा फाइव, तो कोऑर्डिनेट हमें राइट करके दे दिया उसने माइनस टू कॉमा फाइव। अब देखिए x कोऑर्डिनेट इट मीन्स माइनस का टू, x माइनस का होना चाहिए और y क्या है प्लस का फाइव, तो x माइनस टू इट मीन्स ये नेगेटिव पार्ट माइनस का टू और y प्लस फाइव, y प्लस फाइव। तो ये पॉइंट जो इंडिकेट है माइनस टू कॉमा फाइव वो इस क्वाड्रेंट में आएगा माइनस टू कॉमा फाइव। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका जो आंसर है वो है सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस फाइव माइनस सेवन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यह हमें माइनस फाइव माइनस सेवन कौन से क्वाड्रेंट में लाई। तो चेक करते हैं माइनस फाइव, एक्स हमारे पास माइनस फाइव है तो एक्स माइनस फाइव ये वाला पॉइंट, फिर उस पर चलना है माइनस का सेवन, वाई कोऑर्डिनेट माइनस सेवन नीचे की तरफ है, देखिए माइनस फाइव ये माइनस सेवन ये यहाँ है, तो माइनस फाइव एंड माइनस सेवन ये पॉइंट माइनस फाइव कॉमा माइनस सेवन कौन से क्वाड्रेंट में लाइक किया है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही आपके पास एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप के आपके पास एग्जांपल देगा, वो कोऑर्डिनेट देगा और आपसे पूछेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक है, तो ऐसे ही आपको समझना। और भी देखिए एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आपको बताने एग्जांपल टू कॉमा जीरो कौन से क्वाड्रेंट, चेक करते हैं इसको, एक्स प्लस टू ये x प्लस टू है और y जीरो है, y जीरो मीन्स जो पॉइंट आएगा हमारे पास y जीरो है, तो ये इसी एक्सिस पर आएगा x एक्सिस पर, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्वाड्रेंट नहीं, हम राइट करेंगे x एक्सिस, टू कॉमा जीरो का जो आंसर आएगा x एक्सिस। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं, माइनस फोर कॉमा जीरो आपको बताने कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस फोर एक्स पर माइनस फोर चल रहे, ये एक्स का माइनस नेगेटिव पार्ट है माइनस फोर ये ना, और वाई जीरो इट मीन्स एक्स एक्सिस पर ही आएगा एक्स एक्सिस। और भी एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास, एग्जांपल जीरो कॉमा माइनस फाइव आपको बताने कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स जीरो, एक्स जीरो और वाई पर क्या चल रहा है माइनस फाइव, जीरो हमारे पास ये ना वाई पर हमें माइनस फाइव इट मीन्स, तो एक्स जीरो माइनस वाई माइनस फाइव ये वाला कौन सा एक्सिस पर आ रहा है, वाई एक्सिस, तो इसका आंसर आएगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो नेगेटिव मीन्स होता है जो गिवन वैल्यू है, नेगेटिव मीन्स जो गिवन वैल्यू है हमारे पास, जैसे एक्स अब ये जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन होगी इसकी। अब इस केस में देखिए x नेगेटिव इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो जीरो से कम होगी और y की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ज्यादा, y इज ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन होगी। तो कंडीशन को ध्यान में रखना, नेगेटिव मीन्स वो जीरो से कम। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, इट मीन्स x लेस देन जीरो कॉमा y लेस देन जीरो, ये कंडीशन होगी, दोनों ही जीरो से कम। प्लस माइनस x पॉजिटिव इट मीन्स x ग्रेटर देन जीरो कॉमा y लेस देन जीरो, क्योंकि y नेगेटिव, तो ये कंडीशन होगी। तो कंडीशन को भी हमें मैच करके चलना है।